प्रॉब्लम ये है कि इसमें किक नहीं आती, और जैसे कि बाइक अगर आपकी 15-20 दिन या एक महीने से ज़्यादा घर पे खड़ी रहती है तो क्या होता है कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो पाती। इसके लिए फिर आपको क्या करना है, या तो बैटरी को चार्ज करवाना पड़ता है या फिर धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन मान लो कि आप कहीं पर अकेले हो और धक्का मारने वाला कोई नहीं हो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा इसको स्टार्ट करना। तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ या ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप इसे अकेले ही आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये है कि ये बाइक अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्लच दबा के स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे आप देख रहे हो अभी न्यूट्रल है, तो अभी ये स्टार्ट हो जाएगी आराम से। लेकिन अगर ये गियर में हो, जैसे हम इसमें गियर डाल देते हैं, अभी ये न्यूट्रल है, अभी मैं क्लच दबा के गियर डाल देता हूँ। लेकिन अब मैं इसको अगर स्टार्ट करने का ट्राई करता हूँ तो ये स्टार्ट नहीं होगी, और जैसे ही मैं क्लच दबा के स्टार्ट करता हूँ तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, एक जुगाड़ लगाना पड़ेगा छोटा सा। वो ये है कि ये क्लच के पास जो पिन होती है, कपलर होता है छोटा सा, इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है कि एक तार का टुकड़ा लेना है और जो बाहर वाले दो सॉकेट है उनमें इसको फंसा देना है, मतलब शॉर्ट कर देना है। इस प्रकार अच्छे से इसको तार को छील के इसमें फंसा देना है, जिससे कि आपको क्लच दबानी नहीं पड़ेगी। अब आप इसको क्या करना है कि फोर्थ गियर में डालना है इस बाइक को। फोर्थ गियर में डालने के बाद आपको चाबी लगा के रखनी है, और ये जो बटन होता है, स्विच जो होता है ऑन ऑफ करने वाला, इसको भी ऑन रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे वाले टायर को पकड़ के घुमाना है, और ये देखिए आप स्टार्ट हो गई है, घुमाना है। और ये देखिए आप स्टार्ट हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अकेले हो तो आराम से इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो इस प्रकार इसको स्टार्ट करके आप कहीं भी ले जा सकते हो, तो बैटरी का कोई इश्यू नहीं रहता, और बैटरी तो चार्ज हो ही जाएगी जब ये स्टार्ट हो जाएगी एक बार। तो यही था वीडियो, आपको दिखाना था कि बाइक को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, और आप किसी भी बाइक को इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, छोटी हो या बड़ी हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल वाला आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।